सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कहते हैं 99% आपकी मेहनत, लेकिन 1% जो आपकी किस्मत है वो सारी चाल बदल देती है। तो राजयोग किसकी किस्मत में है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। और ये चर्चा हमने किस तरीके से शुरू की और अब आकर के रुकी है किस पर? प्रियंका गांधी पर। तो देखिए श्रुति, पूजा और राखी जी, अब प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा लेकर के आई हैं। उत्तर प्रदेश के मैदान में खूब पसीना बहाया है उन्होंने। आपको उनकी कुंडली देख करके क्या लग रहा है, उनके क्या चांसेस हैं? देखो स्नेहा, सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा जो है वो शायद इसलिए लाया गया होगा क्योंकि 2022 जो है वो शुक्र का साल है, वो महिलाओं का साल है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए लाया गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि राहुल गांधी की भी राशि वृश्चिक है, प्रियंका गांधी की भी राशि वृश्चिक है, मोदी जी की भी राशि। वुमेन्स डे, और ये नारा तो हर लड़की के लिए भी हो सकता है। मैं आपसे कहूंगी स्थितियां बेहतर होंगी, ये साल भी शुक्र का साल है और उनकी शुक्र की दशा चल रही है, तो वो बेहतर तो कर पाएंगी, पहले से इसमें कोई दोराय नहीं। लेकिन सीएम वगैरह बनने के चांसेस अभी कांग्रेस के दिख नहीं सकते, बाकी राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। चलिए ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इसी के साथ श्रुति, पूजा, राखी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने प्रेडिक्शन के जरिए ये बताने की कोशिश की कि राजयोग और सितारों के इशारे क्या कहते हैं। जितने भी समर्थक हों किसी भी पार्टी के वो अब दिल थाम करके रखेंगे क्योंकि नतीजे ज्यादा दिन तो है दूर नहीं। 10 तारीख को जरूर पता चलेगा कहां, एबीपी गंगा पर, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी गंगा।